बिलासपुर के रतनपुर में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की मां को न्याय दिलाने सर्व समाज का प्रदर्शन जारी है। बीती रात लोगों ने एक बार फिर से नगर में मशाल रैली निकाली, जो इलाके के मुख्य चौराहे से होते हुए सीधे आरोपी के मोहल्ले पहुंची। इस दौरान किसी तरह का विवाद की स्थिति निर्मित न हो, इस कारण मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। रतनपुर में रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता की मां को न्याय दिलाने सर्व समाज के लोग मौके पर जमा हुए और लगातार धरना प्रदर्शन कर पुलिस और जिला प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। विधवा महिला को जिस तरह से झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया, उसे लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। बीती रात एक बार फिर से लोगों ने नगर में मशाल जुलूस निकाला। इलाके के मुख्य चौराहे से लोगों ने मशाल रैली निकाली, जो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए सीधे आरोपी के मोहल्ले में जाकर समाप्त हुई। लोगों ने इस प्रदर्शन से नगर की शांति व्यवस्था बाधित न हो, इस कारण मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमारी बहन जो है अन्नपूर्णा पांडे जी, जिनको बेवजह का पुलिस प्रशासन के द्वारा फास्टो एक्ट में अंदर कर दिया गया है, और यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और जब तक अभी हम लोग पुलिस प्रशासन को पूरे आम नागरिक, आम हिंदू जन सहयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी घटना दुर्घटना न हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग का आंदोलन अनवरत चल रहा है। ये आज का जो मशाल जुलूस पूरा करैया पारा में घूमना था, लेकिन स्थिति परिस्थिति पुलिस वालों के निवेदन पर हम लोग यहीं से आज अपना जुलूस समाप्त कर रहे हैं। और जब तक हमारी बहन को बिना शर्त के न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। अभी सर्व समाज के लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक पीड़ित महिला को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बहरहाल लोगों का प्रदर्शन जारी है, देखने वाली बात होगी कि महिला को कब तक न्याय मिल पाता है। एशियन न्यूज के लिए रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।